खुदे खुला हुआ अक्सर उसका सामने आ रहा है। योगी जी के आसन पे इसमें भी घटना होना। देखिए नाथ संप्रदाय का महत्वपूर्ण स्थान और गोरखपुर जो गोरक्ष मठ है, गोरक्ष पीठ है, वो गोरक्ष पीठ गोरखनाथ के मतावलंबियों का सबसे बड़ा स्थान है। वो हिंदुत्व का, हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का बहुत बड़ा स्थान है और मुख्य स्थानों में से एक है। और आपको यदि स्मरण हो तो नेपाल के राजा तक वहाँ खिचड़ी चढ़ाते हैं। और ऐसे स्थान पर हमला होना, और जिस तरह से अभी अभी बताया जा रहा है कि वो केमिकल इंजीनियर है, IIT से पढ़ा हुआ है, तो एक बात निश्चित रूप से समझ में आ रही है कि मुस्लिम, इस्लाम को मानने वाला चाहे अनपढ़ हो या टॉप इंस्टीट्यूट से पढ़ा हुआ पढ़ा लिखा व्यक्तित्व हो, वो निश्चित रूप से ही एक जो जिहादी मानसिकता है उससे त्रस्त है। और विश्व में यदि मानवता की रक्षा करनी है तो मैं बार बार आप लोगों से ये कहता हूँ तो इस्लामिक जिहाद को जड़मूल से समाप्त करना होगा। और ये एक बहुत सोची समझी साजिश है। आप अभी देश में कुछ घटनाएँ घटी हैं, आपने एक घटना अभी करौली की देखी है, राजस्थान करौली में देखी है, हमारे गोरखनाथ मंदिर पर देखी है। ये एक तरह से एक तरह का माहौल जो देश का इस समय आप देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने जो एक अपनी पहचान बनाई है, भारत की पहचान बनाई है कि सारा विश्व इस समय भारत की ओर देख रहा है। रूस और यूक्रेन के मध्य जो युद्ध हो रहा है, उस युद्ध में यदि कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है तो वो भारतवर्ष है। और सिर्फ विदेश में ही नहीं, अब तो देश में हम लोगों ने कोरोना जैसे महामारी में पिछले कई वर्षों से, 2-3 वर्षों से प्रत्येक व्यक्ति को भोजन मिल रहा है, पानी मिल रहा है, और तो और विकास की गति कई गुनी ज़्यादा बढ़ गई है। सड़कें बनी हैं और अनेक तरह की हमारे यहाँ कार्यक्रम हो रहे हैं। तो इस चीज़ से जो ये इस्लामिक जिहाद वाले लोग हैं वो घबरा गए हैं और घबरा करके ऐसी हरकतें कर रहे हैं। और एक बात मैं फिर कहूँगा कि आप लोग इस बात को गौर कीजिए, केवल यही नहीं, ओसामा बिन लादेन बहुत बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति था और बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। और इसी तरह की आप कोई भी टॉप लेवल के अगर आप घटनाएँ देखें, जैसे कि वर्ल्ड टावर सेंटर पर हुआ था तो आपने उसमें भी देखा कि क्या हुआ था। उसमें जो पढ़े लिखे लोग थे उसमें पायलट थे और